सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्माज संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। क्या कारण है कि महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार होते हैं, और बार बार ये तकलीफें होती क्यों हैं? किसी स्पेशल केस में या कुछ महिलाओं को ये तकलीफ बार बार होती है, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं संजीवनी होम्योपैथी का ये यूट्यूब चैनल। महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है ब्लैडर से जो पेशाब बनी, यूरिन फॉर्मेशन हुआ किडनी से, वो ब्लैडर में आया और ब्लैडर से यूरिन बाहर आएगा। तो ब्लैडर से यूरिन आने की जो जगह है वो होती है छोटी, यानी यूरिथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है। यूरिथ्रा का साइज छोटा होता है और ये वजाइना और जो लैटिन की जगह है उसके बीच में होता है और इन्फेक्टेड जोन्स के बीच में होता है। इस वजह से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में पेशाब की जगह यानी यूरिथ्रा जो होती है, यूरिथ्रा का जो साइज होता है वो लार्जर देन फीमेल्स होता है, इसीलिए उनमें यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें यूरिन इन्फेक्शन नहीं होते, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा बहुत नगण्य माना जाए तो ठीक रहेगा। महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट यदि होता है और वो सुरक्षित नहीं है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा सामान्यतः बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बार बार आपको इन्फेक्शंस हो जाया करते हैं। ऐसे भी सामान्यतया यदि यूरिन की जगह की सफाई अच्छे से ना की जाए तो भी यूरिन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पनपने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह होती है, क्योंकि पीएच वैल्यू भी उस जगह पे बैक्टीरिया के पनपने में सपोर्ट करती है, और चूंकि यूरिथ्रा छोटी होती तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ट्रेवल करके ब्लैडर तक चला जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। यूरिन ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन जो यूरिथ्राइटिस था, मतलब केवल यूरिथ्रा में होना था, वो जाके सीधे ब्लैडर पे चला गया और इन्फेक्शन कहलाया सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर में इन्फेक्शन। बहुत आसानी से ये यूटीआई महिलाओं में यूरिथ्राइटिस जो था वो कन्वर्ट होके आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन कर देता है। तो ये थे कारण जिसकी वजह से आप महिलाओं में इस तरह के इन्फेक्शन देख पाते हैं और महिलाएं बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहती हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बताऊं। हाई फीवर आएगा आपको, फीवर 103 डिग्री 104 डिग्री तक जा सकता है और अचानक से टेम्परेचर राइज होता है। यूरिन में आपको जलन होने लगती है, यूरिन की जगह के आसपास पहले खुजली चालू होती है, इचिंग होता है और फिर यूरेथ्रा में बर्निंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज जलन के साथ यूरिन में भी आपको पस सेल्स मिलने लग जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूरिन में मिल जाएगा आपको। यूरिन आरएम जब करवाते हैं, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, उसमें यूरिन इन्फेक्शन मिल जाएगा। हालांकि ये तकलीफ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, केवल 24 से लेकर 48 घंटे, मतलब दो दिनों के भीतर, एक से दो दिनों के भीतर आप इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उन दवाइयों के बारे में भी आपको यहाँ बताऊँगा जिनसे आप घर पे इनसे इलाज करके आप बेहतर फील कर पाएंगे और कंडीशन को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। यदि इन दवाइयों के अलावा भी जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं ना आपको फ़ायदा हो तो फिर आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास सलाह लेंगे, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये तकलीफ आती है उतनी तेज़ी से जाती भी है, लेकिन उतनी तेज़ी से तभी जाएगी जब एग्जैक्ट रेमेडी आपको पता चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कॉमन रेमेडीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जिससे आपको इन तकलीफों से आराम मिलेगा और आने वाले समय में भी आपको ये, यदि आप ये मेडिसिन्स लगातार चलती रहती है आपकी, तो आपको
समस्या से निजात बहुत जल्दी मिल जाएगी या आपको ये समस्या होगी ही नहीं। पहली बात तो ये है कि क्या करें, सफाई रखें यूरिन की जगह के आसपास के, उसे ड्राई रखें, उसे मॉइस्ट ना होने दें। दूसरी वजह, दूसरी चीज़ ये है कि यदि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो ये सुरक्षित होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब भी आप मोशन करने जाएं या लैट्रिन से आते हैं वापस, तो जगह की सफाई बहुत ध्यान से करें ताकि आपको इन्फेक्शन बार बार ना हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है इन्फेक्शन होने के लिए। अपने कपड़ों पर भी का भी विशेष ध्यान रखें, इनमें किसी भी तरह की नमी ना आए। यदि आपको साथ में यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है तो भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडिडियासिस हो सकता है कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से, और आपको वेजिनाइटिस हो सकती है, वेजाइना के रास्ते में ईचिंग हो सकती है और जलन हो सकती है और फीवर आ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और दवाइयों के नाम नोट कीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली दवाई है पल्साटीला 200, दो दो बूंद दिन में 3 बार के डोजेस में डायरेक्टली आप जीव में ले लेंगे। दूसरी जो दवाई है वो है कैंथेरिस, जो कि 30 पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे, दो दो बूंद दिन में 3 बार। तीसरी जो दवाई है वो है एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में, दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। ये दवाइयाँ आपको रेगुलर रखनी है, और साथ में एक दवाई और जो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस, जिसे आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है, दो दो बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। 1 से 2 दिन में आपके ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले दिन में आपको यूरिन में बर्निंग कम नहीं हुई है, तो कैंथेरिस का मदर टिंचर आपको 10-10 बूंद सुबह शाम लेना पड़ेगा, या दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हैं। 2 दिन में आपको ये बेहतर लगेगा और आपको बाहर कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि बाहर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन में ये बेहतर नहीं हो रहा है, या 1 से 2 दिन में आपको पहली खुराक, दिन की खुराक के बाद भी आपको बेटर नहीं लग रहा और आपका टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लेनी है। और ये है शुरुआती कंडीशंस के लिए मेडिसिन, आपको इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। ये वीडियो केवल प्राइमरी एड के लिए है, मतलब आप फर्स्ट एड में इसमें मेडिसिन को लीजिए, रेगुलर मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको यदि ठीक होगा तो शुरुआती कंडीशन में ही ठीक हो जाएगा, यदि नहीं हो रहा है तो फिर तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है। ऐसा है, ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह बहुत फ़ायदा देगा, और हमारी कोशिश यही है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आएँ, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएँ, ताकि आप इन्हें घर पर कर पाएँ, और इससे सभी का भला हो रहा है और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। पिछले 1.25 सालों में हमारे चैनल को 50 लाख बार आप लोगों ने देखा, और 50 लाख बार देखा गया है, न जाने कितने हजारों बार इसका, इन दवाइयों का उपयोग हुआ है और सभी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसी तरह से आप लोग इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और यदि आप बार बार इस तरह के वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको आएगा नोटिफिकेशन और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताने के लिए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद।